चंद पैसों के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। कल रात सिविल लाइन थाने की पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो एक गाड़ी पर नजर पड़ती है और गाड़ी का पीछा किया जाता है, रोका जाता है। गाड़ी में 3 क्विंटल पनीर मिलता है, जिसको कैथल के सिविल लाइन थाने में लाया जाता है। सुबह फूड सेफ्टी विभाग को बुलाया जाता है, तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और उसके सैंपल जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ये पनीर है क्या। फिलहाल परिस्थितियां संदिग्ध हैं, ना तो असली कह सकते और ना ही ये कह सकते कि आखिरकार इतना पनीर इतनी मात्रा में कैसे एकदम से इस गाड़ी में पाया गया। फिलहाल सारी परिस्थितियों पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा करता है कि सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन जो 3 क्विंटल पनीर बताया जा रहा है, अब इस पनीर का क्या होगा? क्या जो मालिक है उसको वापस कर दिया जाएगा या इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा? लेकिन साफ तौर पर यह देखा गया है कि जिस तरह से बातचीत हुई कि ये मालिक को लौटा दिया जाएगा, सैंपल भेज दिए गए हैं और भेजे जा रहे हैं। लेकिन जब सैंपल फेल हो जाएंगे तो आप ये अंदाजन लगा सकते हैं कि या क्या ये पनीर ऐसे कैसे रखा जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पनीर आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के बीच में जा चुका होगा। अक्सर लोग चंद पैसों के चक्कर में एक दूसरों की जिंदगी स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग आखिरकार क्या कार्रवाई कर रहा है, क्यों सोया हुआ है? क्योंकि सवाल बड़ा है कि आखिरकार क्यों नहीं इस पनीर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा। कि अगर इसका सैंपल फेल आ गया तो आप अंदाजन लगा सकते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। फिलहाल मौके पर विभाग पहुंचा हुआ है, कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। 3 क्विंटल पनीर रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास मिलता है। सिविल लाइन थाने के SHO वीरभान वैन की टीम गश्त के दौरान इस गाड़ी को पकड़ती है, और गाड़ी को पकड़ती है तो 2 लोग इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनको पकड़ा जाता है और जो सिविल लाइन थाना है वहाँ पर लाया जाता है। तमाम कार्रवाई चल रही है, लगातार हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों से जान लेते हैं क्या क्या कुछ पूरा मामला है और आगामी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ वो कहना चाहिए। रात पेट्रोलिंग में थे, करीब 1:30 बजे कनाल रोड प्रिय गाड़ी जा रही थी, इसको अचानक चेक किया तो इसके अंदर ये ड्रम रखे ड्रामो चेक, इसके अंदर पनीर मिला। पनीर करीब 3 क्विंटल 25 किलो है और ये अरविंदर लड़का है, कुरुक्षेत्र का, कैथल डोगरा गेट से लेकर जा रहा था। कहाँ लेके, कहाँ सप्लाई किया जा रहा था ये? कैथल कुरुक्षेत्र लेकर वहीं सप्लाई करना था, कुरुक्षेत्र के अंदर ही। तो डोगरा गेट कोई दुकान थी, वहाँ पे भी छापेमारी की गई? वहाँ पे डोगरा गेट हरिंदर है, चौधरी डायरी वाला, उससे लेकर आया था। तो वहाँ पर भी छापेमारी की, वहाँ पर भी टीम द्वारा कोई निरीक्षण किया गया? वहाँ तो छापेमारी नहीं की, वहाँ जिसने बताया वहाँ से लेकर आया। अच्छा, तो अब आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है? आगामी डॉक्टर साहब आए हैं, राजीव शर्मा जी, इन्होंने सैंपल लिए हैं, सैंपल भेजेंगे, आगामी कार्रवाई डॉक्टर साहब करेंगे। तो पनीर किस तरह का बताया जा रहा है, कोई नकली बताया जा रहा है, किस तरह का सैंपल? डॉक्टर साहब सैंपल लिए हैं, बताएंगे आगे नकली है कैसा, आज आगे सैंपल में आएगा रिपोर्ट कैसे है। तो जो हरविंदर जी जो लड़का गाड़ी लेकर जा रहा था उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, अरविंदर हमारे पास ही रहा था। अरविंदर। पनीर कितना है सर टोटल? पनीर करीब 3 क्विंटल 25 किलो है। कितने लोगों को इसमें? 2 व्यक्ति थे इसमें, एक अरविंदर, एक मनोज, तो वैसे साथ में बैठा था, मैं तो यही था, एक और वैसे लिफ्ट लेने वाला था। तो रात को किस समय का मामला है और जब आगामी पूछताछ रही उस समय की तो किस तरह का बिहेवियर था इन लोगों का सर? रात करीब 1:30 बजे का मैटर है, पूछताछ मैंने बताया, मैं वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ लेकर जा रहे हैं, इनके पास कुछ लेकर जा रहे हैं। तो जहाँ से लेकर आया क्या वहाँ पर भी टीम जाएगी, वहाँ पर भी चेकिंग की जाएगी? हाँ, वहाँ भी चेकिंग की जाएगी, मामला दर्ज कर लेगा। हमारा सैंपल लेने, इसके सैंपल आए के बाद रिपोर्ट आने के बाद ये कोर्ट में कंप्लेंट डलती है, डॉक्टर साहब डालेंगे। ये पनीर का मामला रात के टाइम गश्त के दौरान पुलिस वालों ने पकड़ा है करनाल रोड से, और मुझे बुलाया गया, मैंने उसके सैंपल ले लिए हैं, 2 सैंपल लिए हैं पनीर के, इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कितना पनीर बताया जाएगा? ये तकरीबन 325 किलो के आसपास पनीर है टोटल, जो गाड़ी में पकड़ा गया है। तो कितने सैंपल लिए गए? इसके 2 सैंपल लिए गए। डॉक्टर साहब, जो पनीर है जो बचा हुआ उसको आप कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाएगा या किस कैसे किया जाएगा? नहीं नहीं, गाड़ी उसका पनीर टेस्ट करके देखा, उसमें कोई ख़राब या कोई स्मेल नहीं अभी आ रही है पनीर में, बाकी जो लैब रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि जैसी वो आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो बचाव पनीर सब कैसे करेंगे, वो मालिक को दे दिया जाएगा या कहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा या किसी कस्टडी में रखा जाएगा? नहीं, बचाव गाड़ी तो गाड़ी वाले को दी जाएगी जिसकी गाड़ी है। तो अभी सैंपल के लिए कितना टाइम लग जाता है इसके रिपोर्ट आने में? 2 हफ्ते के आसपास, 14 दिन लग जाएंगे। तो कितने लोग जो है इस गाड़ी के साथ पनीर जब पकड़ा गया, कुछ इस तरह की जानकारी? आई डोंट नो।
325 किलो के आसपास टोटल। तो इसको नकली भी कहा जा सकता है या कुछ और इसमें आपने चेक किया? वो जो मैं चेक किया उसमें ना ही तो कोई स्मेल आ रही ना भी खराब है, वो नकली तो नहीं कह सकते। बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट बताया जाएगा उसमें।